पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बढ़ते हुए तेल के दामों को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में भी बड़ी संख्या में पहुंचकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उसे सभी नियमों को दरकिनार कर दिया। पिछले एक पखवाड़े से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज डीजल का रेट 82 रुपए हो गया। बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश भर में अपने अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान कांग्रेस आलाकमान द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए। इस जुलूस में सबसे आगे जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर एक कार को रस्सियों से बांध कर खींचते हुए चल रहे थे और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही कांग्रेसियों ने कोविड-19 के नियमों को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ना तो इन्होंने मास्क लगाए। इस मामले में जब जिलाध्यक्ष से पूछा गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही झल्लाते हुए बोलने लगे कि दूसरी पार्टियां कुछ भी करती रहें, आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस ही दिखती है। 2009 में क्रूड का रेट 41 रुपए था और डीजल का रेट 38 रुपए था, जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। आज भी क्रूड का रेट 41 रुपए है आज भी, और आज 82 रुपए रेट है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कौन खा रहा है? आज ये सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की, हमारे बच्चों के मुँह से खाने का निवाला छीन रही है, हमारे बच्चों के हाथ से पेन खींच रही है बच्चे के बच्चे ना पढ़ पाए। ये महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच जाएगी कि इनसे संभाले से नहीं संभलेगी। आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कल मुरादाबाद का नहीं पूरे हिंदुस्तान का, खासकर युवा सड़कों पर आएगा और हम किसान इस पेट्रोल पे, इस डीजल पे जो महंगाई बढ़ी है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर तरफ हमारा किसान भाई होगा। और मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी है और पार्टियां 100-200 लोग लेके आपका प्रदर्शन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं? हम अगर 5 आदमी से आगे ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे, आपके फर्जी मुकदमे लग जाते हैं। अंदर की अगर आगे मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं गई तो 1 तारीख को इसी 1 तारीख को तहसील पे हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।